दोस्तों स्वागत है आपका होम टापस्ट्री चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन की जो कांसेप्ट बचे हैं उसको, ठीक है ना। ये आपका चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर फोर। इसके पहले हम तीन पार्ट दे चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन के कांसेप्ट का, नहीं देखें तो जाके देखिए, ठीक ना। और रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, इनके टाइप क्या होते हैं, सब बता चुके हैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार देखेंगे ना बुलाएंगे ही नहीं बोल पाएंगे, ठीक। तो आप कॉपी पेन के साथ बैठिए, माइंड को कंसंट्रेट करके बैठिए, ठीक है ना, जिससे आपको हर एक टॉपिक समझ में आए अच्छे से। क्या दिक्कत है, चलिए देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। कहते हैं कि जिंदगी में घमंड कभी नहीं करना चाहिए, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको देगा यहाँ पे ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए दे दिया। मान लीजिए आपको दे दिया 5, 7, 6, कुछ भी दे सकता है, इस प्रकार कोई भी संख्या दे सकती है। तो यहाँ से पूछेगा क्या, क्वेश्चन क्या करेगा, कभी बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या है, क्या आएगा भैया, कैसे निकालेंगे। बहुत सा आसान तरीके, देखिए तो हमको क्या करना है, इसके दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं, दो मेथड। सबसे पहले हम जो आपको कॉन्सेप्ट स्टेप टू स्टेप चलते हैं, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट, दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं, दो मेथड। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है भैया, देखिए अगर सबको जोड़ देंगे हम ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस तो क्या आएगा, जरा बताइए हमको। ए ए दो बार है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो आएगा a 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। इसको भी जोड़ देंगे, 7 × 12 = 18 कर दिए। तो अब 2 से भाग करेंगे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, कितना आ गया, इनके रेशियो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक। अब जब 9 आ गया तो हमको बताइए कि क्या होगा। यहाँ से हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिल गया हमको, 9 मिल गया। फर्स्ट मेथड चल रहा है, अब सेकेंड मेथड बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, कंपटीशन बहुत वही यूज करेंगे, ये तो आप बता रहे हैं, बाय द वे उसको भूल गए तो क्या करेंगे। ये हो गया। अब देखिए b प्लस सी, अगर आपको a निकालना है तो b प्लस सी के स्थान क्या रखेंगे, सात रखेंगे, सात इक्वल टू कितना, 9। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 - 7 बराबर क्या आ जाएगा, 2। क्या आ गया, यहाँ पर लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू क्या, पहले 2 आ गया, अब निकालना b का। तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9। हमको b निकालना है तो ये a प्लस सी कितना है, इसको इस प्रकार सकते हैं, नहीं इक्वल टू 9। तो b प्लस a प्लस सी कितना है, a प्लस सी या c प्लस सी, 6 रख देंगे बराबर 9। तो b बराबर क्या आ गया आपका, 9 - 6, b बराबर क्या आ गया, 3। क्या आ गया, 3। यहाँ पे 3 रख देंगे, अब क्या लगाएंगे, रेशियो। अब हमको निकालना है c, क्या निकालना है, c। तो देखिए यही है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको वही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी कितना है, 5 है ना, तो 5 + c = 9, तो c बराबर क्या आएगा, 9 - 5 = 4 आ गया, क्या आ गया, 4। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आंसर, यही। ये तो आपको साइड में बता रहे हैं कैसे करना है, सबसे पहले इनके इनको जोड़ देना है, दोनों दो दो बार आएंगे, कैसे जोड़ना, देखिए हमने जोड़ दिया नहीं, 2a + 2b + 2c जोड़ना आता है, a वाला a के साथ, b वाला b के साथ, c वाला c के साथ। अब सब में 2 कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन, तो बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी। तो जब इसको जोड़ देंगे तो इनके रेशियो को भी जोड़ देंगे 7 × 12 = 18 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी निकालना तो 2 से भाग कर देंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो ये आ गया 9, क्या आ गया, 9। 2 से भाग कर देंगे तो 9 नहीं आएगा,
देखिए 18 में भाग करेंगे 2 से, 9 बार जाएगा ना, है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 आ गया। अब हम लगाएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक ना, तो कैसे निकालना, देखिए ये बराबर 9 है, 9 हमको ए चाहिए तो बी प्लस सी बराबर कितना दिया है यहाँ पे, 7 है, 7 रखेंगे उधर घटा देंगे 9 से आ गया 2। बी चाहिए, बी चाहिए तो सी प्लस ए रख देंगे, सी प्लस ए या सी प्लस ए कितना है 6 है, तो 9 में से 6 गया 3 आ गया। डी चाहिए तो हम क्या रखेंगे, बी चाहिए अगर बी हो गया, सी चाहिए तो ए भी रखेंगे, क्या रखेंगे ए बी, ए बी का स्थान 5 रख देंगे, 5 रख देंगे तो 5 रखते 9 में से 5 डालेंगे 4 आ गया, सी का मान आ गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है, छापी से छापी हो गया। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है इसका, हो गया ना, सेकेंड मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे दिया है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, क्या डालेंगे सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ठीक है ना, सेकंड मेथड। तो देखिए क्या दिया है 5 रेशियो 7 रेशियो 6, डायरेक्ट लगाएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या आएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, देखिए एक लाइन में करें एक लाइन, क्या करना है हमको ए चाहिए ना, तो जिस जिस में है उसको जोड़ दो, ए इसमें है और इसमें है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो क्या जोड़ गया यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 6 5 11 11 आ गया, और जिसमें नहीं है उसको घटा दीजिए, इसमें ए है नहीं है ना, तो 7 घट जाएगा, 11 में 7 कितना आ गया, 11 में से देखिए 7 गया आ गया 4, कितना आ गया 4 रेशियो रेशियो। अब देखिए क्या करना है हमको, बी चाहिए, क्या चाहिए बी, जब बी चाहिए बी किसमें है, इसमें है इसमें है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, पहला हमने ये काम किया इन दोनों जोड़ दिया और ये घटा दिया, अब ये सेकंड काम करेंगे, सेकंड बी वाला, बी प्लस सी ए प्लस बी दोनों में बी है, तो जिसमें जिसमें है उसको जोड़ दो, जिसमें नहीं उसको घटा दो, तो 7 5 12 12 में से 6 कितना आ गया, 6 आ गया रेशियो। अब देखिए रेशियो लगाइए, फिर अब हमको सी चाहिए, सी किसमें है, सी देखिए इसमें है यहाँ पे है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ दो, 7 6 13 13 में से 5 घटा दो, क्यों, क्योंकि इसमें सी है ही नहीं, 13 में से 5 डालेंगे 8 आ गया, क्या आ गया 8। अब सबको 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा नहीं आपका, कटेगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4 आ गया, देखिए वही तो आंसर है, ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा ना, ये आसान है, आसान है इससे तो आसान है, तो आप कोई मेथड लगाइए जो भी आपको सूटेबल करे, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो जिसमें जिसमें ए है उसको जोड़ दो, जिसमें नहीं उसको घटा दो, हो गया, फिर जिसमें जिसमें बी है जोड़ दो, इसमें नहीं घटा दो, उसी पर सी बात है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हो गया ना, हो गया, नोट करते रहिए आप, यही मान लीजिए यहाँ पे दे देगा, यदि कुछ भी दे देगा, 3 है रेशियो 2 है रेशियो 5, तो क्या करेंगे, देखिए क्या करना है कि हमको चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे निकालना है कि ए चाहिए ना, ए और ए 5 3 8 8 में से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 में से 2 कट कितना आएगा है 6 आ गया रेशियो। बी चाहिए 5 5 क्या हो जाएगा 10 है, 3 2 क्या हो गया 5, 5 में से 5 जाएगा कितना आ गया 0, इसको इधर से 0 आ गया बी के स्थान पे। और सी देखिए, सी चाहिए हमको, सी सी 5 2 7 7 में 3 कितना आ गया 4, ये अब क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हो गया छप लिए, इसी में हम बता रहे हैं क्या करना है, यही है इसी का यूज है उसे नहीं, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया आपको 4, यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए आप क्या, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 का दे रहे हैं, ये आपका है ठीक, ये दे दिया और दे देगा यहाँ से
कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 30, तो हमको सी की वैल्यू बताओ कितना आएगा, सी की वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तो कैसे निकालें बताए ना, कैसे निकालना, देखिए ये दे देगा ये भी दे देगा, पूछेगा सी बताइए, और नहीं तो कहेगा बी बताइए ए बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो कैसे निकालना है, हम निकालेंगे सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी, चाहे पहले वाले मेथड का यूज करिए चाहे दूसरे वाले, लेकिन दूसरा बहुत आसान है, दूसरे ही चलते हैं। ए चाहिए ना, ए चाहिए, ए इसमें इसमें इन दोनों को जोड़ दो, 9 4 13 13 में से 7 घटा दो, 6 आ गया 6 आ गया ना। अब देखिए फिर हमको चाहिए बी, बी चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया 7 4 11 11 में से 9 का कितना आ गया 2 आ गया 2 रेशियो। सी चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो, 9 7 16 16 में से 4 कितना आ गया 12, कितना 12, सबको 2 से काट दो। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हमेशा, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए बोल रहे हैं काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे। आ गया आज ये ए रेशियो बी रेशियो सी आया, क्या आया ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, हमको निकालना है सी, क्या सी। तो जरा ये बताइए हमको कि ए बी सी कितना है 30 है, इनके रेशियो को जोड़ेंगे, रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 4 4 6 10, तो 10 रेशियो बराबर कितना दिया है 30, इस रेशियो का योग है, यहाँ पे इनकी वैल्यू का योग है, ये वैल्यू की योग है, ये रेशियो की योग है, तो 10 रेशियो बराबर 30, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, तब एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा 30/10, अर्थात क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अगर एक रेशियो बराबर 3 आ गया तब तो हम सी निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं कि नहीं भाई बताइए, सी बराबर क्या रेशियो है 6 रेशियो, तो 6 × 3 = 18 आ गया, क्या आ गया 18 आ गया। ये अगर यहाँ से मान लीजिए, माना अगर बी पूछ लेगा तो क्या करेंगे, बी कितना है 1 है, तो 1 × 3 बराबर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। और मान लीजिए आपको ए पूछ ले तो क्या करेंगे, तो बताइए 1 × 9 = 3 है, 3 × 3 बराबर क्या 9। अब बताइए इनका योग कितना है 30 है कि नहीं, ऐसे चेक कर लेंगे। हमारे आपसे सी पूछा था लेकिन हमने ए और बी भी निकाल दिया, क्या निकाल दिया ए और बी भी निकाल दिया। अब देखेंगे इनका तीनों की योग संख्याओं की योग उसके बराबर है, हाँ है, क्या है, है। आंसर सही रहेगा तो आपको आएगा, सब आंसर आ जाएगा। ये समझाया कि नहीं आपको समझाया, मान लीजिए इसी पर कई क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप चिन्ह कर देंगे, दूसरा चिन्ह कर क्या कर देंगे दूसरा कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं कटेगा, 30 पूरा नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी कर लेंगे, आपको बैल निकालना है एक रेशियो निकाल कर कर देंगे। ठीक, करिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपका ये आपका ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, कांसेप्ट आपका वही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन लगा सकता है, क्या लगा सकता है प्रोपोर्शन, 6 रेशियो 7 रेशियो 8 और दे देगा, एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 14 14, कहेगा बताइए सी इक्वल टू कितना, कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी बी कर देगा ए कर देगा, ठीक है ना। तो ये सुनाया आपको, ये क्वेश्चन है, इसी को हम बोले हैं कि या इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, इसको हम इस प्रकार लिख देंगे 6 रेशियो 7 रेशियो 8, यहाँ पे इक्वल मिला सकता है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, वही कॉन्सेप्ट है उसी प्रकार करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या आएगा, क्या है भैया हम बताएंगे, एक इसमें इसमें इसमें, तो 8 6 14 8 6 14 14 में से 7 घट जाएगा तो 7 आ गया 7 रेशियो। अब भी निकालना तो 20 में इसमें 7 6 13 13 में से 8 जाएगा कितना आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, अब देखिए मान लीजिए अगर कहेगा सी प्लस ए, इसको जोड़ देंगे
अगर सी का गैल्यू सी निकालेंगे तो 8 × 7 = 15, 15 में से 6 घटा देंगे कितना आ गया, 9 आ गया ना। तो इस प्रकार देगा, पहले हम इसको निकालेंगे फिर ही लगाएंगे, उसके पहले नहीं, ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है ये आप देखते हैं कि यहाँ से देखिए कि कितना दिया, 14 दिया है, तो रेशियो की होगी यहाँ से काट देंगे कि 10 कितना रेशियो कितना है, 7 × 5 = 12, 12 × 8 = 21, 21 रेशियो बराबर कितना 14, यानी कि जो रेशियो की योग है 21 है, उनका जो रेशियो की योग बराबर कितना 14 दिया है, तो एक रेशियो बराबर क्या आएगा, एक रेशियो बराबर 14 बटे 21, ठीक। नहीं कट रहा है, जाने दीजिए नहीं कट रहा, तो हम निकालेंगे सी बराबर क्या आ जाएगा, तो 14 बटे 21 गुणे क्या, तो सी का स्थान कितना बताइए, सी 9 है ना, तो 9 कर देंगे, क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं, 3 × 21 और 3 × 9, 7 × 7 = 14 आ गया आपका 2 × 3, 2 × 3 बराबर क्या 6 आ गया, क्या आ गया 6, आसान आसान तक नहीं। तो इसी प्रकार कर लेंगे, यहाँ से देखो सी की वैल्यू आ गई, एक निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे, एक निकालना होगा क्या करेंगे बताइए, तो 7 × 21 करेंगे, अगर ए का डाट करते हैं, अगर ए का पूछेंगे तो क्या करेंगे, तो ए कितना है, कुल कितना है 21 और ए का स्थान कितना है 7, तो इस प्रकार कर देंगे 7 × 21 गुणे कितना 14, यहाँ पूरा कर दीजिए, देखिए 7 × 7 = 14, 7 × 7 = 21, ठीक, और ये कटेगा नहीं आपका 14 बटे 3, ठीक। इस प्रकार बी निकालेंगे, तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी कुल कितना है 21 है, 21 में कितना है 5 × 21 हो जाएगा गुणे 14, ठीक। अब देखिए कटेगा 7 × 21 और 7 × 14, बी बराबर कितना आ गया 10 आ गया, बी बराबर 10/3 आ गया, 10/3। अब जोड़ लीजिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं, तो जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 14/3 + 10/3 + कितना 6, तो बताओ ये क्या होगा 24 × 3 + 10 + 6 काट देंगे तो 8 + 6 बराबर क्या 14, यानी हमारा आंसर क्या है सही है ना, तो सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला एग्जाम्पल लास्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है, छाप लीजिए कर दीजिए। ये दे दिया मान लीजिए, ठीक ना, देखिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया और ये पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बताएं, बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इन दोनों रेशियो का जो दिख रहा है कितना है 2:3, कितना है 2:3, और ये इसका कितना है 5, कितना है 5, तो बताइए इसका जो दोनों रेशियो का योग है इस वाले के बराबर है कि नहीं, बराबर, तो इसको लगाएंगे हम कैसे, इन दोनों को जोड़ देंगे, x − y + z + y − z + 2w = इसको लिखेंगे 2x + z − w, क्यों, क्योंकि इनके दोनों रेशियो का योग तीसरे के बराबर है, तो कर देंगे इनका योग बराबर इसके। अब देखिए y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, z से z क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, कट जाएगा नहीं आपका, तो बताइए इधर क्या बचेगा, x + 2w = 2x + z, सही है ना, ध्यान दीजिएगा ये क्या है माइनस है, ये प्लस है, ठीक। तो यहाँ से बताइए 2w, ये आपको जो आएगा यहाँ से माइनस w है, तो ये देखिए w इधर आएगा, x इधर जाएगा, जब w इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, सॉल्व करिए, ये आएगा 3w, ये आ जाएगा x + z, तो 3w = क्या x + z, हमको प्रूव करना, देखिए हम आंसर निकालना है कि 3x + 3z चाहिए, 3 से 2 क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, क्योंकि 3x 3 जुड़ हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर
गुणा करने और लिख लेते हैं। तो देखिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं गुणा करने पर। अब क्या करना है, ये वैल्यू रख दीजिए बस। अब हमको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से देखिए हम करने के बाद कहेंगे 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w कितना आएगा। इसके स्थान क्या रखेंगे, 9w माइनस 2w रेशियो w। 9w से 2w कट जाएगा, क्या आएगा 7w, 7w और w, w से w क्या हो जाएगा कट जाएगा, आएगा 7:1। क्या आ गया, 7:1। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इन दोनों का योग तीसरे रेशियो बराबर है, इनका योग इसके योग के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। जब हो जाएगा सॉल्व कर लेंगे, इधर वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, बचा एक्स प्लस टू वाई, इधर तो आपको ऐसे ही है एक्स बड़ा इधर गया, डब्ल्यू आर ले रहा है आया। अब देखिए क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, डब्ल्यू प्लस टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू, तो इसमें से एक एक्स क्या हो जाएगा घट जाएगा ना। यहाँ देखिए क्या है, एक्स है, एक्स इधर जाएगा एक्स होगा, तो इसमें से एक एक्स घट गया, एक्स आया प्लस जेड। अब दोनों में क्या करिए, तीन से गुणा किए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इनको चाहिए तीन एक्स और तीन जेड, गुणा कर देंगे यार ना हो जाएगा यहाँ पर। इसके स्थान पे हमने देखिए ये रख दिया और यह कोई है, तो 9w में से 2w घट गया, आया 7w, w से w कट गया, तो यहाँ पे एक बचेगा ना, आ गया 7:1, 7:1। बस यही था आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, अब नहीं सब खत्म हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक ना, दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, बहुत मजा आएगा वो भी, ठीक। यह आपको अगर सुनाया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।